गंगा लांबा जी क्यों नहीं बोलती उनके लिए? वो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारी कांग्रेस की, हर रोज महिला की बातें कर रही हैं, लेकिन क्यों नहीं स्वाति के लिए दिल्ली में बोली? मैंने जब रेजिग्नेशन दिया जी, सिर्फ इस चीज को लेके कि हमारा जो चंडीगढ़ का पीसीसी है मिस्टर लक्की, उनकी कार्यविधि ठीक नहीं है। लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लोगों के मन में ये भावना है कि मनीष तिवारी तो बाहर से हैं, वो लुधियाना रहे, रणवीर साहब रहे, चंडीगढ़ पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है, जो ये भावना है वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो भावना के ऊपर एक भावना ऐसी है कि क्या बीजेपी या कांग्रेस। यही तो कहना चाह रहा था कि पवन कुमार बंसल के वक्त यही मुद्दे थे और यही उनके वादे थे। अब तिवारी जी के मैंने उनके बड़े सारे वो सुने, जहाँ वो जाते हैं जब वो बात करते हैं तो वो इन चीजों को थोड़ा छोड़ देते हैं, जो लोकल मुद्दे हैं वो नेशनल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन एमसी का इलेक्शन नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर के लिए यही प्रायोरिटी है और लोगों ने अपना डिसीजन जो है वो इन्हीं चीजों के ऊपर बैठ के दे। लेकिन चंडीगढ़ की जो चीज है वो बिना बंसल जी के चेहरे से आगे चलना बड़ा मुश्किल है। लोगों के मन में एक भावना है कि संजय जी का बोलना, उठना और बैठना, व्यक्तियों के साथ बात करना, वो ऐसा लगता है जैसे अपने घर का व्यक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आज हम आपके सम्मुख ला रहे हैं महिला शक्ति की एक जीती जागती तस्वीर चंडीगढ़ से, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपा दुबे जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपने अपना कीमती समय निकालकर और हमारे लिए थोड़ा समय निकाला। अच्छा दीपा जी, एक फायर ब्रांड नेत्री जिसके सामने अच्छे अच्छे जो आपके विपक्ष के लोग होते हैं बात करने में कहने से चूकते हैं, क्या कारण रहा कि आपको भाजपा छोड़नी पड़ी? भाजपा मैंने 2016 के जब इलेक्शंस थे एमसी के, उससे पहले मैंने छोड़ी। मैं संघ परिवार से हूँ जी, मेरे फादर 96 इयर्स में जनसंघ में थे वो, इवन कि मेरा बेटा जो बड़ा है आज सेक्रेटरी है वो कांग्रेस में, स्टेट में सेक्रेटरी है जी। वो 2 साल का था जब से वो शाखा लगा रहा था, लेकिन जब लगा महसूस हुआ मुझे कि नहीं, जहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात हो या ये हो कि कोई कमिटमेंट किसी के साथ हो और वो कमिटमेंट पूरी ना हो पाए, तो उस समय व्यक्ति को वो रास्ता छोड़ देना चाहिए, तो यही मेरा रीज़न रहा। उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और आज तक कांग्रेस में हूँ, और आज आप मुझे ब्रांड बता रहे हैं, नेत्री बता रहे हैं, तो ये सारा श्रेय जो है वो कांग्रेस को, पार्टी को जाता है कि उनकी वजह से आज मैं आपके समक्ष कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हूँ। एक ब्रांड और नेत्री मैं नहीं बोल रहा जी, ये आपकी जो वर्किंग है, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, जो आपके समर्थक हैं, ये उन्होंने आपको बनाया है। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लोगों की सोच मेरे प्रति इतनी अच्छी है, और मुझे लगता है कि उनकी इन चीज़ों के साथ ही जो मुझे मोटिवेशनल पावर्स मिलती है वो मैं काम करती हूँ। प्रोफेशन से मैं एक 21 साल की प्रैक्टिस मेरी हो गई है, एडवोकेट हूँ। सो दिन में जो महिलाओं के प्रति जब भी कोई दिक्कत आती थी तो मुझे बड़ा मन में ठेस पहुँचती थी, लेकिन जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, 5.5 साल मैंने ये काम किया, तो मुझे लगा कि जहाँ जहाँ त्रुटियाँ थीं उस त्रुटियों को मैं पूरा करने में 100% तो योगदान नहीं दे सकी, लेकिन 80-85% तक मैं पहुँच सके। तो आई रियली थैंकफुल टू द कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने इस मौके का मुझे दिया और मुझे इतना निखार के आगे लेके आई। ठीक है, अच्छा दीपा जी, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बिल्कुल जी, तो लेकिन सभी उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन आपकी छवि को देखते हुए, आपके विभागपन को बिंदास अंदाज से जिस अंदाज से आप जवाब देते हैं, उनके आपके लिए हमने कुछ सवाल हैं जो मौजूदा चर्चाओं के ऊपर करेंगे, मौजूदा जो घटनाएं हैं। निष्पक्ष रूप से आप सवाल करें। देखिए, एक स्वाति मालीवाल, एक सांसद, एक मुख्यमंत्री के आवास पर उनकी मौजूदगी में उनके साथ अभद्रता होना, और जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, रविश कुमार, राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम, इवन के प्रियंका जी, राहुल गांधी, सुप्रिया भारद्वाज, सुप्रिया श्रीनेत, प्रज्ञा मिश्रा यादव, या विपक्ष का कोई भी नेता, इंडिया अलायंस का कोई भी नेता, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुखद है। अगर
पार्टी में हम तब हैं अगर पहले हम महिला हैं या हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, उसके बाद ही हम किसी पार्टी में योगदान दे रहे हैं। अगर आपकी इस बात से मुझे ये समझ आ गई कि अगर हमारा किसी पार्टी के साथ अलाइंस हो गया है और वहाँ कुछ किसी महिला ने आवाज उठाई और वो तथ्य सत्य प्राप्त हुए और उसके बाद अगर हम चुप हैं तो हम कहीं ना कहीं उस महिला के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो हमें महिला के लिए कि हम मोदी जी को कोसते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया वो फेल हो रहा है, वो असफल हो रहा है, तो जहाँ हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी के साथ कमिटमेंटों की बात कर रहे हैं, नारी के साथ राहुल जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। मैं बीइंग ए महिला और कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते इस बात के लिए उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ। स्वाति मालीवाल हो या उसके अलावा अभी वो खेड़ा के साथ हुआ, वो तो हमारी कांग्रेस की थी, उसको इस्तीफा देना पड़ा, कार्य मतलब पार्टी छोड़नी पड़ी। आ रहा था और सबसे पहले तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इवन के हमारे दर्शकों को भी खुशी होगी कि आपने निष्पक्ष रूप से अपनी राय रखी है। बिल्कुल। महिला चाहे वो कोई महिला जो चाहे कोई पब्लिक फिगर हो या आम हो, महिला महिला है, उसका सम्मान जो है जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। और इन सभी बड़े पत्रकारों का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये सभी पत्रकार बुलंद आवाज में से कोई भी घटनाक्रम घटता है जो समाज के विरुद्ध होता है उसमें बड़ी अपनी आवाज उठाते हैं, ट्वीट करते हैं और उस पे डिबेट्स होती हैं लंबी लंबी। इस बार ये चुप क्यों है? बस चुप सिर्फ इसीलिए होंगे जहां तक मुझे लगता है कि हमारा वो अलायंस हुआ है तो केजरीवाल जी को कहीं धक्का ना लग जाए, गुस्सा ना हो जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए हम चुप हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगी, हमारी अपनी पार्टी में जब मैडम खेड़ा ने ये आवाज उठाई या चंडीगढ़ से मैंने आवाज उठाई तो उसके लिए उन्होंने क्या कार्यविधि की, वो क्या नारी शक्ति जो नारी ग्रंथियां हैं, क्या वो एक पेपर पे पोस्टर भी रह गई? महिला का सम्मान आज हम कहती हूँ, मैं हर टाइम कहती हूँ कि महिला का सम्मान राजीव जी ने किया, आज राहुल जी कर रहे हैं, तो फिर ये जो दूसरे लोग हैं ये क्यों नहीं राहुल जी को राहुल जी के कार्यक्रम को आगे लेके जा रहे हैं, सच्चाई पे क्यों नहीं खड़े हैं? हम क्या एक लेडी के साथ और कुछ नहीं कर सकते? लड़ाई हर व्यक्ति ने अपनी लड़नी है, मैंने अपनी लड़नी है, खेड़ा ने अपनी लड़नी है, स्वाति ने अपनी लड़नी है, लेकिन क्या हम उनके साथ सहानुभूति के लिए खड़े भी नहीं हो सकते? बीइंग ए महिला नहीं खड़े हो सकते? तो इसके लिए मुझे दुख है कि पार्टी को उनके साथ खड़े होना चाहिए था, महिलाओं को एटलीस्ट, पार्टी की महिलाओं को तो खड़े होना चाहिए था। अलका लांबा जी क्यों नहीं बोलती है उनके लिए? वो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारी कांग्रेस की, हर रोज महिला की बातें कर रही हैं, लेकिन क्यों नहीं स्वाति के लिए दिल्ली में बोली? बोलना चाहिए था। पार्टी अपनी जगह है लेकिन मानवता और संस्कार और महिला के लिए समर्पण अपनी जगह है। 2024 में फरवरी में आरोप लगाया राधिका खेड़ा ने कि सुशील आनंद द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा में उनके साथ अभद्रता की गई, जबरदस्ती उनको ऑफर किया गया कुछ, तो राधिका खेड़ा का आरोप है कि उन्होंने शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी सभी को उन्होंने कंप्लेंट की, तो मेरे ख्याल से उनका दायित्व तो लांबा जी से बड़ा है, तो उन्होंने क्यों रिएक्शन लिया इस पे? मैं अपना एग्जांपल आपको दे देती हूँ। मैंने जब रेजिग्नेशन दिया जी सिर्फ इस चीज को लेके कि हमारा जो चंडीगढ़ का पीसीसी है मिस्टर लक्की, उनकी कार्यविधि ठीक नहीं है, ठीक है, और कार्यविधि क्या ठीक नहीं है, महिलाओं के लिए अपमान हो रहा है, वहां पे किसी लेडी को शेल्टर दे दिया जाता है, उसके अंडरगार्मेंट्स तक हमारे कांग्रेस भवन में जिसको मंदिर समझते हैं, ठीक है, पार्टी का मंदिर है, उसमें मिले, जब उनसे पता किया गया तो वो कहते हैं हाँ एक लड़की 3 दिन के लिए रही थी, उसकी मजबूरी थी, तो मजबूरी थी भैया, मुझे बताते ना, मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, मैं उसको कहीं भी रखती, डेट इज माई प्रॉब्लम, आपने कैसे उसको वहां रखा? जब ये तथ्य उठाए गए भाई साहब, तो उसके बाद हमने रेजिग्नेशन दिया। मेरा रेजिग्नेशन 64 लोगों के साथ गया और वो खड़गे जी को गया जी। अब आश्चर्य की बात यह है कि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है 64 का क्वेश्चन मार्क के अंदर ही है अभी तक, और मेरा रेजिग्नेशन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? अलका लांबा, जिसको मैंने भेजा ही नहीं, क्योंकि मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो केसी गोपाल वेणुगोपाल जी ने सोनिया गांधी जब तब हमारे प्रधान थे वहां पे, और उनके थ्रू मेरी नियुक्ति 2019 में हुई थी।
तो मुझे आप ये बताइए, और आजकल आज तक महीने से ज्यादा हो गया, आज तक मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे मेल पे मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की लेटर भी नहीं आई, तो इसमें संशय है कि नहीं है? संशय तो है दीपा जी। देखिए, उसके बाद एक और बात बतानी चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो पतन चल रहा है उसका रीजंस क्या है? वो यही रीजंस है, व्यक्ति को तोड़ना। आज तिवारी जी को जरूरत थी महिला कांग्रेस की जी। लेकिन जब एक्सेप्ट हुआ रिजाइन, तो उसके साथ मेरी स्टेट बॉडी भी डिसॉल्व कर दी, जिसमें 262 लोगों को, दो दो व्यक्तियों, लेडियों को, महिलाओं को हमने अपर बूथ पे बिठाया हुआ था। किसको लॉस किया? अल्टीमेटली तिवारी को गया। तिवारी का जीत और हार पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? उनको क्यों डिसॉल्व कर दिया भाई? उनको तो रख लेते हैं, उनको तो यूज कर लेते हैं। तो ये सोच में फर्क है भैया, सोच इतनी फास्ट है, या तो उनसे ये काम करवाया गया और फिर वो आती हैं, और आने के बाद मैं पूर्व अध्यक्ष हूं, मैंने पार्टी तो नहीं छोड़ी, आप मुझे इन्विटेशन देते कि भैया आओ, आपकी जगह पे नया हम वर्किंग प्रेसिडेंट लगा रहे हैं, जिसको लेटर में वर्किंग प्रेसिडेंट लिखा जा रहा है वो अपने आप को प्रेसिडेंट बता रही है। तो ये जो संशय क्वेश्चन मार्क है भैया, ये पार्टी को कमजोरी की तरफ लेके जाते हैं, पार्टी को अस्थाई रूप से उसको हिला रहे हैं, उसको स्थाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए दुख है, दर्द है। दर्द इसलिए है क्योंकि मैं पार्टी में हूं, मुझे बहुत लोग रोज सुबह बीजेपी में भेज देते हैं और शाम को फिर कहते हैं 3:30 बजे उनकी ज्वाइनिंग है। बट मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि भाई कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगी। दीपक जी, आप सीधे सीधे ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर आरोप लगा रही हैं कि हमारी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे पास दो महिलाएं हो गई हैं, एक राधिका खेड़ा जी और चंडीगढ़ से दीपा दुबे, जिनके साथ अन्याय हुआ है। अब राधिका खेड़ा जी का तो खैर मैं उनको पर्सनल तौर पर नहीं जानता, लेकिन दीपा जी हमें बता रही हैं तो इसमें सच्चाई तो जरूर होगी। चलिए दीपा जी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता था दल बदल कानून के ऊपर। तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ये जो दल बदल कानून है, ये इसका इतिहास आपको जानना बड़ा आवश्यक है। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयाराम जी लाला द्वारा एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदलने से ये कानून अस्तित्व में आया था। सरकारों की अस्थिरता को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया। कानून ने यह सुनिश्चित किया कि दल बदलने वाले विधायकों को दंडित किया जाएगा। दीपा जी, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, 21 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश को बताएं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक कितने विधायकों को दंडित किया जा चुका है, कितने सांसद को दंडित किया जा चुका है, क्या इस तरह लगता है कि आज तक किसी को दंडित किया ही नहीं गया होगा। इतना लचीला सिस्टम ये बन चुका है, और देखा जाए तो अभी थोड़े दिनों में ही आप देखिए, मतलब कुछ पिछले सालों से देखिए, शायद 2019 में तादाद कम थी दल बदल की, और 19 के बाद आज अगर हम देखते हैं 5 साल के बाद आज इलेक्शन हो रहा है, तो कितने दल बदले जा रहे हैं, कोई कहां से टिकट नहीं मिली, चलो उधर नहीं मिली, उधर इधर उधर। तो लोग बेचारे जो विश्वास करके बैठे हुए थे, देखिए कोई व्यक्ति मुझे इसलिए वोट दे रहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी, ठीक। आपको कोई इसलिए वोट दे रहा है कि आप बीजेपी में या बीएसपी से हूँ, उनकी जो इंटेंशनल जो उनकी थिंकिंग होती है वो ये होती है कि जी हमने तो पंजे पे वोट डाल दिए, वो मुझे नहीं देखेंगे, ए बी सी डी कोई खड़ा हो जाए उन्होंने पंजे पे डाली है, कुछ परसेंटेज ऐसी है, राइट। लेकिन जब कोई जीत जाता है और उसके बाद वो दल बदल लेता है, जीतने के बाद जब दल बदलता है, तो वो लोग बहुत हर्ट होते हैं। जब वो हर्ट होते हैं तो उनकी जो अगली मानसिकता है वो इस तरीके की बन जाती है कि भैया करके करना क्या, इसका तो पता नहीं कब चला जाएगा, क्या इसका लालच है। और आज मैं आपके सामने ये बात शेयर करने में कोई वो नहीं करूंगी, आज के सिस्टम में कोई किस धारणा से या किस काम के लिए जा रहा है, लेकिन उसको ये बोल दिया जाता है पब्लिकली कि कुछ कंसिडरेशन होगी इसलिए वो चला गया। सो ये जो क्वेश्चन कंसिडरेशन का है, ये बहुत अपमानित है उन लोगों के लिए जो एक दल से दूसरे दल में जीतने के बाद जा रहे हैं या बदल रहे हैं। आज की जो जनसंख्या है, आज के जो फर्स्ट वोटर्स हैं या सेकंड वोटर्स हैं, यंग हैं जो, उनके मन में जब आप बात करते हो,
जब मैं बात करती हूँ तो उनमें हो जाता है आंटी किसको वोट देना, छोड़ो परे क्या करना है, ये सब एक जैसे ही है। सो ये जो धारणा बच्चों में बन चुकी है वो धारणा को ठीक करना, उसके लिए एग्जाम्पल अच्छे सेट करने पड़ेंगे ना। ये दल बदल वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर दल बदल का कानून लेके आए तो उसको इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से करो, लेकिन वो है ही नहीं, वो किया ही नहीं किसी ने। अब आप देखो आज की बात बता देती हूँ, आज अगर आप किसी को बोलोगे वो कहेगा ठीक है जी मुझे ये दे दो मैं वहां चलता हूँ। सो इंसल्टिंग बिहेवियर हो गया जी। अल्टीमेट संविधान ने जो हमें दिया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद हम ये काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी क्वेश्चन मार्क ऑन अवर पॉलिटिक्स। अच्छा, महिला स्वतंत्रता, कितने स्वतंत्र रूप से महिलाओं को काम करने दिया जाता है पार्टीज में, घर में या कहीं और? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगी कि मैं जब से काम 2019 से कर रही हूं मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम किया, मेरे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं था। मैंने 3 नेशनल प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, 3 ही स्टेट प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, इतना टाइम मैंने निकाला। मैंने जो कहना था या जो करना था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या कोई बाइट देनी है, कोई अखबार में देना है, मुझे लगता है कि मैंने अपने काल में हर एक छोटी सी छोटी चीज को उठाया होगा विपक्ष में होते हुए, और स्वतंत्र थी। किसी को इंटरनल दिक्कत आती हो मेरे से, लेकिन कभी मेरे से किसी ने बेबाक होकर ये बात नहीं कही कि दीपा जी आप प्लीज ये काम नहीं करो या ऐसे करो, नहीं। क्योंकि अगर मैं काम में हूं, मेरे पास कोई पद है, उसके लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए। शायद मेरा मीनिंग समझ नहीं पाए आप, मैं कुछ और कहना चाहता था शब्दों का, बताइए बताइए। अब कांग्रेस भी महिला स्वतंत्रता की बात करती है और बीजेपी स्वतंत्रता की बात करती है। बीइंग अ पत्रकार, मैंने जब भी कई शहर की नेत्रियां हैं अच्छी अच्छी, उनको फोन करने की कोशिश करता हूं तो उनके बेटे, उनके भाई, उनके हस्बैंड फोन उठाते हैं। इवन के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक महिला पार्षद है यहाँ से, उन्होंने पार्टी बदल ली थी, ऑलवेज जब मैंने फोन किया तो उनके हस्बैंड उठाते फोन। तो मैंने एक दिन उनको बोल दिया, मैं कहा भाई साहब अगर आपने जवाब देना होता है तो आप चुनाव लड़ते जीतते और मेरे सवालों का जवाब देते, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वो लाइन पे आई, बोलती नहीं जी आप भैया ये जो बात कहेंगे आप वही लिख लिया करो। ये गलत है। देखिए पार्टी में अगर हम किसी महिला को किसी पद के लिए लेके आ रहे हैं, चाहे वो उसके लिए काउंसलर के इलेक्शंस हो या कोई पार्टी में पद हो, तो हमें पार्टी को पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो उस सीट के लिए परफेक्ट है, क्या वो इंडिविजुअल डिसीजन दे सकती है, क्या वो समझदार है, क्या उसको सामाजिक तौर से, राजनीतिक तो बाद में आ रही है, पहले सामाजिक तौर से क्या वो उन चीजों के लिए सक्षम है, तभी हम उसको उसका काबिल बनाए। ये नहीं है कि हम किसी को भी बिठा दिया और वो चाहे बोली, जैसे आप बता रहे हो वो बोल ही नहीं पा रही है, या उसको किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है या किसी की उन्हें परमिशन लेनी है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वहां पे भी लोगों के लिए लोग चाहते हैं, लोग आप लोगों के माध्यम से हमें सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी कोई दिक्कत है तो इसका सोल्यूशन निकले। वो तभी निकलेगा जब मैं बैठूंगी, अगर मेरी जगह मेरा हस्बैंड या मेरा बच्चा बैठेगा तो वो चीज तो मैं कर नहीं पाऊंगी ना, तो उसको पूरा फ्री हैंड मिलना चाहिए। आपको आईएएस बनना है तो पढ़ाई जरूरी है, डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई जरूरी है, अगर आपने एक नेता बनना है तो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अच्छा दीपा जी, एज ए मतदाता हम बात करते हैं कि मनीष तिवारी जी को चंडीगढ़ का मतदाता वोट क्यों दे? देखिए मनीष तिवारी जी कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी हैं और पिछले 10 सालों से किरण खेर के टाइम में बीजेपी का जो ग्राफ है वो नीचे डाउन आ गया है। चाहे हम महंगाई को ले लें, चाहे बेरोजगारी को ले लें, चाहे महिला सुरक्षा को ले लें, तो एज ए मतदाता मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि मनीष तिवारी जी, लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लोगों के मन में ये भावना है कि मनीष तिवारी तो बाहर से हैं, वो लुधियाना रहे, रणपुर साहब रहे, चंडीगढ़ पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है जो ये भावना है वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो भावना के ऊपर एक भावना ऐसी है कि क्या बीजेपी या कांग्रेस, व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। तो जब व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है तो लोगों का यही मत है कि जब कांग्रेस की इतने, बीजेपी की इतने दिनों से हम दिखते सह रहे थे, सांसद हमारी चंडीगढ़ में नहीं मिलती थी, कोविड काल में हमारा क्या बुरा हाल हुआ, सांसद तब भी नहीं थी, बाद में पता चला कि वो अपनी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, लेकिन इन सब चीजों के बाद लोगों के मन में एक ये बात थी कि अब हमारा मसीहा कौन बनेगा,
तो मुझे लगता है लोगों के मन में ये था कि नहीं कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बीजेपी का, बीजेपी के लिए अगर आप बात करते हैं किसी और पार्टी के लिए बात, कांग्रेस की बात करते हैं, आपने मिनिस्ट्री का जवाब दे दिया तो मैं उसके लिए थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा। हाँ जी, जैसा कि आपने बताया कि जो वोट पड़नी है वो कांग्रेस को पड़नी है, मनीष तिवारी को नहीं पड़नी, क्योंकि वो कांग्रेस का चेहरा है। दीपा जी, एक वक्त था कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, चंडीगढ़ में सांसद कांग्रेस का था और शिवराज पाटिल जी यहाँ पे गवर्नर थे। उस वक्त जो मसले थे वही मसले आ जाए, मेरे कहने का मतलब था कि किस बिंदु पे हम कांग्रेस पे विश्वास करें, मनीष तिवारी पे विश्वास करें कि चंडीगढ़ के जो बेसिक मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे। देखिए, हर व्यक्ति जब आज आप जब वोट के लिए जाते हो, लोगों के घर घर हम जा रहे हैं, तो जब पूछते हैं तो उनको यही लगता है ये मेरी ये समस्या है, ये बहुत काल से चल रही है, इनको ठीक कर दो, जो बात आपने हमें कही। जब हम उनके साथ कमिटमेंट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि नहीं जी, हमारा जो नेता है यहाँ से जो जिता के आप भेजोगे तो वो हमारी कमिटमेंट को ठीक करेगा, सब काम करने को सक्षम हो जाएगा, वो काम करेगा। अब वो चीज तो उनके ऊपर डिपेंड करती है ना कि वो कितना काम कर पाते हैं। मैं यही और लोकल मुद्दे कितने उठा रहे हैं, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि पवन कुमार बंसल के वक्त भी यही मुद्दे थे और यही उनके वादे थे, तो क्या इस बार वो चीज नहीं रिपीट होगी कि ऑफिसर्स मेरी सुनते नहीं है? नहीं, ऑफिसर नहीं सुनते हैं तो जहां तक बंसल जी ने काम करवाए, मुझे लगता है अगर कुछ काम रह भी गए होंगे लेकिन मैक्सिमम काम हुए हैं बंसल जी के टाइम में। लेकिन आज अगर हम पिछले 10 सालों की बात करते हैं तो अब वो कहते हैं, जब मैं देखती हूँ वो कहते हैं कि हमने भी बहुत काम करवाए, सबने करवाए, सब चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन क्या पब्लिक उनसे सेटिस्फाई होती है? पब्लिक सेटिस्फाई नहीं। काम बंसल जी के वक्त भी बहुत हुए हैं, जो चंडीगढ़ शहर में ग्रीन बेल्ट्स बने, किरण खेर की बात ही नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक मुद्दों की, बेसिक मुद्दे जो 30 साल से पेंडिंग पड़े हैं, लाल डोरा इस चीज के लिए, उसका कोई भी टेक्निकल रीजन हो, उस टेक्निकल रीजन को अगर हम नहीं, अभी मुद्दे खत्म नहीं हुए जी मेरे, जो फंसे हुए वही के वही फंसे हुए 30-40 साल से फंसे हुए हैं, लाल डोरा जी, शेयर वाइज प्रॉपर्टी सेल, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज, नीड बेस्ड चेंजेस, दो एक मुद्दे और होंगे जो अभी मेरे माइंड में नहीं है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 60-70 साल हो चुके शहर बसे को, तो सीमेंट की अपनी एक एज होती है, तो वो हम अगर कहें कि बूथ के ऊपर बूथ बनेगा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 मुद्दे उठा। अब सेम चीज जो मैंने दोहराई है, मेरा क्वेश्चन दोबारा यही हो आपसे, आप ठीक है, आप कांग्रेस से हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक जेन्युइन एज ए वोटर बात कर रही हूं। जी इसीलिए मैं दोबारा आना चाहता था कि हम कांग्रेस को मनीष जी को वोट क्यों दे, क्योंकि हमने 3 बार लगातार 3 बार बंसल जी को जिताया और वो मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं। डेवलपमेंट हुई है लेकिन जो बेसिक मुद्दे थे जिनके ऊपर शहर टिका हुआ है वो क्यों नहीं हल हो पाए? हाँ, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जितनी कॉलोनियों का पुनर्वास हुआ वो सब बंसल जी के टाइम में हुआ, कांग्रेस के टाइम में। मैं इसमें आपको टोकना चाहूंगा जी, ये केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो, हम लेकिन उसमें सांसद का तो रोल कहीं ना कहीं रहता ही है, नो डाउट, रहता सांसद वो रहा और उस काम में वो सफल भी हुए, और आज अगर आप गरीब तबके के पास जाते हो वो आज भी बंसल जी के गुण गा रहे हैं क्योंकि कुछ किया होगा तभी उन्होंने किया। लेकिन आज जो समस्याएं हैं वो मालकियाना हक की हो गई, लाल डोरे की समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी, जब हम छोटे होते थे तब से चल रही है, और उसके बाद जो और चीजों की आपने समस्याएं बताई, जो हमारी थोड़ी बहुत झुगियां रह गई हैं उनको घर नहीं मिल रहे हैं, अंगूठा हो चुकी है, बच्ची और बायोमेट्रिक्स हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई रीजन मिला। सबसे बड़ी बात जो मेरे मजदूर भाइयों की है कि जिनको 3,000-3,000 रुपया किराया देना पड़ रहा है, ठीक है, उनको वो पुनर्वास में क्यों नहीं मिल रहा जब उनके पास सब चीजें हैं? तो ये मुद्दे जो है वो तिवारी जी को उठाने पड़ेंगे। अब तिवारी जी के मैंने उनके बड़े सारे वो सुने, जहाँ वो जाते हैं जब वो बात करते हैं तो वो इन चीजों को थोड़ा छोड़ देते हैं, जो लोकल मुद्दे हैं वो नेशनल लेवल की बात करते हैं, ठीक है,
लोकसभा का इलेक्शन एमसी का इलेक्शन नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर के लिए यही प्रायोरिटीज है और लोगों ने अपना डिसीजन जो है वो इन्हीं चीजों के ऊपर बैठ के देना है। तो अब आप एक मतदाता के रूप में बात कर रही थी, तो खैर ठीक है, आप एक कर्मठ कांग्रेसी नेता है, पहले आप बीजेपी में रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीके से जवाब दीजिए मेरे को कि संजय टंडन जी को क्यों मतदाता वोट दे। देखिए, संजय टंडन जी बीजेपी के कादेवर नेता हैं चंडीगढ़ के, तो एटलीस्ट खासकर नेशनल की तो मैं बात ही नहीं अभी करती। लोगों के मन में एक भावना है कि संजय जी का बोलना, उठना और बैठना, व्यक्तियों के साथ बात करना, वो ऐसा लगता है जैसे अपने घर का व्यक्ति। तो मैंने आपको पहले ही ये बात बोल दी कि जो भी राजनीति में उतरता है उसको सहनशीलता की बहुत जरूरत है, ठीक है। व्यक्ति को इम्प्रेस करना, ये सबसे बड़ी राजनीति में नेता की क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी मुझे लगता है कि उन लोगों में हम लोगों की बजाय ज्यादा है। दूसरी, हाँ, दूसरी बात करना चाहूंगी कि संजय टंडन जी 10 साल से यहाँ के प्रधान रहे बीजेपी के, और उन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों के साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के उनके काम करने की कोशिश की है। चाहे वो, मुझे लगता है किसी भी पार्टी से कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो हमेशा अग्रसर होते हैं इस चीज के लिए। तो लोगों के मन में ये भावना बहुत है। बाकी आपको पता है कि बीजेपी के लिए लोगों के मन में ये बहुत भावना है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा के दिया और वो राम मंदिर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो लोगों के मन में ये है कि जो कोई नहीं कर सका वो उन्होंने करके, बीजेपी ने करके दिया। आज बात वहां भी संजय टंडन की नहीं है, बात कांग्रेस और बीजेपी की है। मैं यहाँ पर फिर आपको काउंटर करूंगा कि वोट अभी भी बीजेपी को डलनी है, ना कि संजय टंडन। बिल्कुल ठीक है, बीजेपी को वोट चंडीगढ़ का मतदाता क्यों दे? 10 साल से सेंटर में बीजेपी की सरकार, चंडीगढ़ में बीजेपी का एमपी और प्रशासक बीजेपी का। तब हमारे बेसिक मुद्दे जो है वो क्यों नहीं हल हुए? तो यही कल को ये जीत जाते हैं, ये भी किरण खेर की तरह करते हैं, तो उस चीज की क्या गारंटी है जो मैं मनीष तिवारी के लिए गारंटी? यही तो लोगों में आज परसेंटेज क्यों डाउन है। आज आप देखो अभी तक कितने परसेंटेज हुई है, जो वोटिंग हो रही है, वोटिंग ना करना लोगों की यही मजबूरी बनी हुई है कि काम तो कोई कराता नहीं है, हम किसके साथ जाए। एज ए मतदाता हर व्यक्ति दुखी है इस बात को लेके। तो अगर हम बात करते हैं कि बीजेपी में वोट क्यों डले या कांग्रेस में वोट क्यों डले, ये लोगों का अपना मन है, अपने स्वभाव है। वर्क करना हमारा काम है, अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़नी, अपनी पार्टी के लिए वोट लेनी हमारा धर्म है। लेकिन इसी तरीके से बीजेपी वाले भी लगे हुए हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं वो, लेकिन अब चीजें तो सारी मतदाता के ऊपर है। पर दीपा जी, जहां तक मेरा मानना है कि वोट ना देना कोई हल नहीं है, वोट की परसेंटेज कम होगी, उसमें से भी जिसकी ज्यादा वोट होगी वो जीत जाएगा। मेरे ख्याल से, मेरा खुद का मत ये है जी कि राइट टू रिकॉल एक कानून सख्ती से बनना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी भी स्टेज पर, चाहे वो पंचायत का है, चाहे वो नगर निगम का है, चाहे वो विधानसभा का है या सांसद का है, अगर वो प्रत्याशी जीत कर जाता है और जनता के इरादों पर नहीं खरा उतरता, तो ऐसा कानून होना चाहिए कि जनता उसको वापस बुला के उससे जो नेक्स्ट बंदा हो, जो रनर अप हो, तो उसको मौका दिया जाए। देखिए, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, मैं इसके साथ पूरे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो हमारा अब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया या संविधान बदलने की बातें हो रही हैं, उन चीजों के ऊपर इस चीज का अंकुश लगेगा जी। व्यक्ति, जनता दिल्ली नहीं जा सकती, संसद में नहीं बैठ सकती जाके, लेकिन वो ये तो दिखा सकती है कि भैया इसको वोट दी थी, ये तो बदल गया या ये काम ही नहीं कर रहा, इसको नमस्ते करो। ऐसा जरूर होना चाहिए, आना चाहिए, तब भी लोगों का विश्वास जो है वो मतदाता के लिए, मतदान देने के लिए बनेगा। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो मतदान के लिए लोगों, आप देखिए ना, कई जगह पे आपने देखा पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कि नोटा में ज्यादा वोटें डल रही है, व्यक्ति को कम मिल रही है। एक व्यक्ति 3-3 घंटे खड़ा हो रहा है, वो अपनी 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 जो अंदर की भावना है वो उसको प्रकट करने जा रहा है ना। सोचो कि एक व्यक्ति ना बीजेपी को वोट दे रहा है, ना बीएसपी को दे रहा है, ना कांग्रेस को दे रहा है, वो नोटा के लिए 3 घंटे खड़ा गर्मी में। इट मीन्स उसके मन के अंदर कितनी भावना ये चल रही है कि मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना, पर मैं नोटा दबा के आऊंगा। तो ये चीजें उसके ऊपर अंकुश लगाएंगी, जो आपने बात की। जी जी जी, ये भी कोई हल नहीं है, ये तो जनता को खुद सामने आना पड़ेगा, और सरकार कोई भी हो सेंटर में, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, उसके ऊपर दबाव डालकर ये राइट टू रिकॉल जो कानून है ये
होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि उनके बुजुर्गों के लिए तो चल ही रहा है, कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, घर आके वोट होगी, लेकिन आपको जो राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने मतदाता का, वो मतदान जरूर करें और अपना कर्तव्य है साथ, ड्यूटीज भी है फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो अपना कर्तव्य निभाना है वो वोट बटन दबा के ही निभाना है और वो भी पूर्ण करके आए। दीपा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। दर्शकों ये थी हमारी दीपा दुबे जी, हमारी ही कहूंगा मैं, क्योंकि इनसे बात करते हुए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे सामने कोई नेत्री बैठी है या कोई अधिवक्ता बैठा है, मेरे अपने ही परिवार की कोई मेरी बहन कोई हो जैसे, तो इस तरह से बात कर रहे थे। नमस्कार, मिलते रहेंगे ऐसे ही आपसे।